हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम वापस आ गए थे, घर में हैं और भाईजान मिसवाक कर रहे थे और साथ में कुत्ते को छेड़ रहे थे। शुक्र है कि कुत्ते ने इसे कुछ नहीं कहा। वैसे न्यू मेरे लिए था, पुराना इसके लिए था। ये उसके उसके साथ पंगे ले रहा था लेकिन बच गया जानवर। हमारे जो हैं, जो मेरे वाल साहब ने जो पाले हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त फिट हूँ। लेकिन आपकी भाभी को बुखार हो गया, उसकी मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे। उससे पहले हम वीडियो बनाते हैं अपने गांव की और हरे भरे खेतों की ड्रोन के साथ। वो उनका नज़ारा आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। ड्रोन पड़े हैं, ये मेरे वाला ड्रोन है और ये भाईजान वाला। लग रहा है ना कि इस ड्रोन ने बच्चा दिया है और ये उसका बच्चा है, छोटा सा है। अच्छा, इस ड्रोन की इतनी पावर है कि इसके सारे सामान को उठा के ले जाता है, लेकिन उस ड्रोन में कुछ भी नहीं। वो तो इसकी बैटरी भी नहीं उठा सकता। ये भाईजान के कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है ड्रोन का, और ये मेरे ड्रोन का। ये भाईजान की बैटरियाँ एक उसमें लगी हुई है, और ये मेरे ड्रोन की बैटरियाँ, और ये उनकी पैकिंग। ये मेट्रॉन की पैकिंग और वो भाईजान की। अभी हमने ड्रोन एक्टिव करने हैं। ड्रोन एक्टिव करने के बाद फिर उड़ाएंगे, तो फिर आपको सारा का व्यू दिखाएंगे, अपने घर का व्यू दिखाएंगे, अपने गांव का व्यू, अपने खेतों का व्यू। आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। मैंने कल भी कहा था कि इश्क निकम्मा कर देता है गालिब, वो हो गए निकम्मे। वो शेर किसी ने सही बोला था ना कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। बड़ा कम आधा आदमी सी बेला हो गया। चलो छोड़ो, ड्रोन फ्लाई करवाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम जहाज़ उड़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ड्रोन, क्योंकि जहाज़ सिर्फ एक सीमत में चलता है अंदर बैठ के, लेकिन ये जनाब चारों सीमत में चलता है। फ्रंट, बैक, लेफ़्ट, राइट, दोनों चारों साइडों पे एक ही स्पीड में भागता है। एक ही स्पीड में लगने का खर्चा ज़्यादा होता है। इसके फिर सिग्नल वीक हो जाएँ तो भी गिर सकता है, बैटरी डैमेज हो जाए तो भी गिर सकता है। बड़ी एहतियात के साथ ही चलाना पड़ता है, लेकिन हम माशाल्लाह वेल ट्रेंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम इसे सही तरीके से इसकी माँ बहन एक कर देते हैं। अज़ीम साहब गन्ने के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़े फद्दे थे तो गन्ने छीलने बड़े मुश्किल हैं इसके लिए। इधर आए, इसे मैंने गन्ना छील के दिया, अभी खा रहे हैं। वहाँ पर हमें गन्ने नहीं मिलते, इस जगह हमें गन्ने मिले हैं माशाल्लाह। हमने पूरी रात बैठ के गन्ने चूपे हैं, बड़ा मज़ा आया। रात पूरी महफल थी, मूँगफली थी, माल्टे वाफर मकदार में थे, गन्ने थे, मज़ा आ गया। पंगे ना ले आए, स्कूल जानी कौन है, स्कूल जानी कौन है, ले आते तो बोल दाता। सही ते बस्ता है, बस्ता कितों लिया जाए, कौन लेके आया, कौन लेके आया? मामू आ गए ने, मामू नाम दस ना दे। एक मामा तत्ता है, एक मामा तारा है, एक मामा लातू है। मेरी भतीजी थोड़ा सा तोतला बोलती है और कुछ अल्फाज चेंज बोल जाती है, जो जैसा कहे वैसा नहीं कुछ चेंज बोलती है। बड़ी शर्मीली से छोटी सी। अभी अभी हमने डिसाइड किया है कि हमारे नज़दीक नहर है, सूख गई है, वहाँ पर पानी है, मछलियाँ भी उसमें। कल हम गुजरे थे तो लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, आज हम भी मछलियों का शिकार करने के लिए जाएंगे, पकड़ने के लिए जाएंगे कुंडियों के साथ। अब हम तैयारी करते हैं, मेडिसिन पहले लेके आते हैं, फिर उसके बाद मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। हम पकड़ेंगे, देखिएगा आती भी आई कि नहीं। भाई जान अब मछलियाँ पकड़ रहे हैं, हमने कुंडियाँ डाल दी पानी में। थोड़ी देर पहले एक छोटी सी आई थी, उस कुंडी को मछली लगी हुई है। ऐसे ही जैसे लगी थी मैंने खींची थी, तो ये मछली आई है छोटी सी, अभी सांस ले रही है। हमारे पास गडोए नहीं थे, वो सांपे होते हैं सांप की तरह, लेकिन वो नहीं थे। हमने फिर रोटी और आटा ये साथ ले आए थे, इससे हम करे थे। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई शिकार इतना ज़्यादा नहीं लगा, इतनी जगह भी नहीं है, छोटा सा ये है स्पेस है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। ये चाचू हफीज़, माशाल्लाह हम पहले इकट्ठे रहे थे और बड़े अरसे के बाद मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा।
मछलियाँ ज़्यादा हमें नहीं आई, जुमे का टाइम था और मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो। अब हम क्लोज़ कर रहे हैं, कुंडी एक हमारी अंदर टूट गई है, डोर बाहर आ गई है, बाकी हमने क्लोज़ कर ली है। एक मछली छोटी सी आई है, वो बच्चों को दिखाने के लिए काफ़ी है। अब हम पैकअप करते हैं, वापस जाते हैं, जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद अगली रूटीन जो भी होगी आपके साथ ज़रूर शेयर। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि बस एक मछली और बच्चे खुश, बड़ा खुश हो रहा है ये मछली देख के। लोगों को बता रहा है कि हमारे घर में मछली आ गई, सभी पकड़ ले बेटा। मछली हम पकड़ के आ चुके थे, सिर्फ एक मछली आई थी, लेकिन बच्चे देख के बड़े खुश हुए थे। तबीयत कुछ नासाजी थी तो दिल कर रहा था नहाने को, नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर उसके बाद एक टूर है फूफा जान के पास जाना है, उनके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ है और उनकी एक क्लोज जो रिश्तेदार थे वो फौत हुए, उनके भी पूछने जाना है फातिहा के लिए। तो तैयार होने के बाद शाबाश शाबाश, बड़ा सर हो गया कम कर, मैं नहा के तैयार हो गया हूँ। अब प्लानिंग ये है थी कि फूफो के पास जाना था, उनके जो सगे फौत हुए थे उनकी फातिहा के लिए अब जाते हैं। मैं मुटियारें भी ऐसे काम करती हैं, देखें आप, लड़कियाँ भी काम करती हैं, घास वगैरह काट के ले आती हैं। सूरज ग़ुरूब होने को है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त। जानवरों के लिए चारा काटा गया है, अभी डाला नहीं, ख़त्म हो गया है। गर्मियों में जानवरों को नहलाने के लिए ये खड्डा खुदा गया है, इसमें पानी जमा कर देते हैं, फिर गर्मियों में पानी जानवर यहाँ पे पीते भी हैं और यहाँ पे नहाते भी हैं, क्योंकि भैंसे हैं, भैंसों को नहाना होता है, उनकी आदत होती है, जब तक नहाना है वो फ्रेश नहीं होती, इसलिए वो इसी जगह पर नहा लेती हैं, इसी जगह से पानी पी लेती हैं। हर दो तीन दिन बाद ये भरा जाता है और फिर इसे मतलब सूख भी जाता है और पानी ताज़ा तरोताज़ा इसमें रिवर होता रहता है। अमरूद लगे तो हुए हैं लेकिन कच्चे हैं, और एक ऊपर खड़ा है वो पक्का है, और ये भी शायद पक्का है, हम इसे तोड़ के खाते हैं। और ये लंच हमारा आ गया, भाईजान लेने गए हुए थे सब्ज़ी, लेके आ चुके हैं। सब्ज़ी लेके आए हैं आलू और बोगी गोभी, और बाइक अब फ्री है, अब हम जाएंगे फूफो जान को पूछने के लिए। और बाकी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे ठीक हैं, फिट हैं, खुश हैं। कुछ दिनों के बाद हमारी वापसी है। ये हांडी रोटी हो रही है, ये सालन बन रहा है, मुंगरे और आलू। और मुआज़ साहब को भूख लगी हुई है, वेट कर रहे हैं सालन का, लेकिन अभी काफ़ी देर है, सालन पकने के बाद सब खाएँगे। इसे कबूतरों के अलावा कोई काम नहीं, जब भी जैसे फ्री होता है आके कबूतरों के खुडों में चला जाता है, खुडे में, और वहाँ से बच्चे पकड़ के खेलता है, उनके साथ कबूतर पकड़ता है। अब ये देखो शरीफ हो गया, दे दे दे, कुछ नहीं था। नहीं कुछ नहीं था। जोर आजमाई हो रही है इस पूरी मशीन को, भाईजान उठाएंगे, देखते हैं उठाते हैं कि नहीं। उठाओ, ओ उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, शाबाश। नहीं तो हम हो के वापस आ चुके हैं, और अब जो इनकी मम्मा है वो खाना बना रही है। ये चीनी खा रहा था, इसके मुंह को सारी चीनी लगी हुई है। क्या है बताओ, बड़ा खुश हो रहा है वीडियो बनाते हुए, बड़ा खुश होता है। ये देखिए पापा चीनी चकने कैसे कर रहा था, नोजी भी बह रहा है, गंदा बच्चा। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।